हे गाइस अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हुरानिया, मैं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। इस वीडियो का टाइटल है हिंदू महिला ने पंडित जी से पूछा भगवान कभी नहीं मरते तो हमारे भगवान की मृत्यु कैसे हुई और वह कहाँ है। उसके बाद हम देखेंगे डॉक्टर जाकिर नायक सर का रिप्लाई। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होने वाला है। जो क्रिएटर है, हमें जो बनाने वाला है, ठीक है, जो भगवान है, वो रियली मर कैसे सकता है, उसे मौत कैसे आ सकती है, ठीक है। तो ये अपने आप में सोचने का बात है, क्योंकि फिर वो तो इंसान के बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि इंसान को भी मौत आती है, फिर भगवान को भी आएगी, तो फिर और कौन है बड़ा भगवान। तो ये एक सोचने वाली बात रहेगी। तो यार ये एक मतलब बहुत लॉजिकल सवाल है आंटी का, और ये सवाल आना बहुत अच्छी बात है और आना भी चाहिए यार। ऐसा हर किसी के दिमाग में इतने अच्छे और लॉजिकल आंसर नहीं, मतलब सवाल नहीं आते हैं। तो देखते हैं क्या ये वीडियो होने वाला है। पहले पंडित जी का रिप्लाई देखेंगे, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक सर का रिप्लाई देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और एक लॉजिक टाइप के उनका जवाब रहता है कि यार इंसान खुद सोचे और सोच में पड़ जाए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, वीडियो को लास्ट तक के देखना एंड शेयर जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं की वीडियो। कृष्ण तो भगवान है, फिर भी उनकी मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु नहीं हुई, भगवान क्या हुए? प्रकट भय। हाँ। प्रकट कृपाला। हाँ। भय प्रकट कृपाला, भगवान प्रकट होते हैं। हाँ। जैसे भगवान प्रकट हुए वैसे भगवान अंतर्धान हो गए। नहीं, उनका हृदय भी जीवित था ना। उनका हृदय, उनका हृदय है ना जगन्नाथ भगवान जी के भीतर। हृदय जाना नहीं, पूरा शरीर जाना है। भगवान है ना वो, जो कोई नहीं कर सकता। हाँ। वो भगवान कर, भगवान चाहे तो एक पल में पूरी सृष्टि जला के राख कर सकते हैं। हाँ। और दूसरे क्षण जस की दस फिर तैयार कर सकते हैं, जस की दस बना सकते हैं। जो बोल रहे ना, ये बहुत सही बात बोल रहे, परफेक्ट बात बोल रहे कि भगवान चाहेंगे जो क्रिएटर है वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस क्रिएटर को जैसे कि इनका जो सवाल है आंटी का, वो उनको रिप्लाई मिला नहीं ना यहाँ पे। कहाँ मिला यहाँ पे रिप्लाई? वो बोले कृष्ण जी, ठीक है, जो कृष्ण जी थे वो कैसे मर सकते हैं, उनका इनका सवाल ये है। तो जवाब उनको यही चाहिए ना कि वो कैसे मर सकते हैं अगर मतलब वो रियल क्रिएटर होते। और पूरा का पूरा पार्ट सब जिंदा रहना चाहिए। हाँ, और अमर रहना चाहिए ना, मर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो मरेगा नहीं। भगवान की सामर्थ्य, अगर आप कोई डॉक्टर जाकिर नायक की वीडियो देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है। सूरह इखलास से कंपेयर करो। इस सूरह इखलास की अगर चार लाइन की तारीफ पे उतरता है तो वो सही खुदा है, अगर नहीं उतरता है तो वो सही नहीं है। बिल्कुल, कोई भी खुदा को आप मानते हैं उसको इस चार लाइन से परखो। अगर इस चार लाइन की तारीफ से उतर जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है तस्लीम करने में कि वो खुदा है। बिल्कुल, मिसाल के तौर पर कई इंसान ये मानते हैं कि भगवान रजनीश वो खुदा है। सवाल जवाब के दौरान एक हिंदू दोस्त ने मुझसे कहा कि हम हिंदू नहीं मानते कि भगवान रजनीश खुदा है। तो मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने ये कहा कुछ इंसान मानते हैं भगवान रजनीश खुदा है। मैं हिंदू मजहब की किताब पढ़ चुका हूं, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश खुदा है, लेकिन कई इंसान ये मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। आओ हम ये परखे कि भगवान रजनीश सूरह इखलास के चार लाइन की तारीफ पे उतरता है कि नहीं। सबसे पहला कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या भगवान रजनीश एक ही है? क्या वो एक ही इंसान है जिसने खुदा बनने का दावा किया? सैकड़ों इंसान है, खुसूसन हमारे इस देश में हिंदुस्तान में हजारों इंसान कहते हैं कि मैं खुदा हूं, वो सिर्फ एक ही नहीं है। लेकिन अगर कोई रजनीश भक्त कहेगा नहीं वो यूनिक है, वो अलहदा है, ठीक है, हम दूसरी लाइन पे जाते हैं, दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या रजनीश बेनियाज है? हम जब उसकी आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है कि रजनीश को डायबिटीज बीमारी थी, मेलाइटिस, डायबिटीज डायबिटीज की बीमारी थी, उसे अस्थमा था, उसे रीढ़ की हड्डी में दर्द होता था, बैकिक। आप सोचिए, भगवान को डायबिटीज है, खुदा को अस्थमा है, खुदा को रीढ़ की हड्डी की दर्द है। तीसरा लाइन, लम युलद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना हुआ है। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश मध्य प्रदेश में पैदा हुए, उसके वालिद वालदा भी थे, दोनों वालदेन थे, जो कुछ साल बाद उसके शागिर्द बन गए। ये भगवान रजनीश 1981 में अमेरिका जाते हैं, यूएसए, और वहां स्टेट ऑफ ओरेगन, एक ओरेगन जो शहर है, वहां अपना एक रजनीश पुरम शुरू करते हैं और अमेरिका में हजारों अमेरिकन लोग को बेवकूफ बनाते हैं। कुछ चंद साल बाद अमेरिकन गवर्नमेंट उसको गिरफ्तार करती है और जेल में डालती है।
भगवान रजनीश कहते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे आस्ते आस्ते से जहर दिया। सोचिए कोई खुदा को जहर दे सकता है। और 1985 में अमेरिकन गवर्नमेंट उसको अमेरिका के बाहर निकाल देती है, लात मार के निकाल देती है। फिर से वो हिंदुस्तान में आता है और पूना शहर में अपना जो सेंटर था वहां जाता है, जिसे आज की तारीख में कहते हैं ओशो कम्यून। और अगर आप जाएंगे ओशो कम्यून में पूना में, जो रजनीश का एक आश्रम है, वहां उसके कब्र पे, उसके समाधि पे एक तख्ती है जिसमें लिखा हुआ है भगवान रजनीश ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिट द अर्थ फ्रॉम द 11th ऑफ दिसंबर 1931 टू द 19th ऑफ जनवरी 1990। उसके तख्ती पे लिखा हुआ है कि ओशो ना कभी पैदा हुए ना कभी मरे, लेकिन धरती पे सैर करने के लिए आए, धरती पे घूमने के लिए आए 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक के। नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिट द अर्थ फ्रॉम द 11th ऑफ दिसंबर 1931 टू द 19th ऑफ जनवरी 1990। उस तख्ती पे ये नहीं लिखा था कि भगवान रजनीश को 21 मुमालिक की वीजा नहीं मिली थी। भगवान आ रहा है धरती की सैर करने के लिए और उसे वीजा की जरूरत होती है, उसे 21 मुमालिक की वीजा नहीं दी गई थी। He was not given visas to 21 different countries of the world. Imagine Almighty God coming and he requires visa to visit different parts of the world. और Archbishop of Greece, Greece के पादरी ने कहा कि अगर आप रजनीश को इस देश से निकाल नहीं देंगे तो हम उसके घर और उसके चेलों के घर को जला देंगे। और जो आखिरी लाइन है, वलम यकुल्लहु कुफ्फन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसका हमसर कोई भी नहीं है, ये तो सिर्फ सही खुदा के अलावा कोई भी नहीं पास कर सकता। बिल्कुल सही। आप अगर उस खुदा के मुकाबले में कुछ भी चीज इस दुनिया में मुकाबला कर सकते हैं तो वो खुदा ही नहीं है। हम जानते हैं कि रजनीश आम इंसान जैसे एक नाक थे, एक मुंह था, दो आंख थे, दो हाथ थे, सफेद दाढ़ी थी। अगर आप किसी के साथ खुदा का मुकाबला कर सके तो वो खुदा ही नहीं है। बिल्कुल सही। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा 1000 गुना आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से ताकतवर है, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम सुनेंगे आपने, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जिसको लकब मिला है मिस्टर यूनिवर्स, सारे जहां में सबसे ताकतवर इंसान, उसको टाइटल मिला था सबसे ताकतवर इंसान आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा 1000 गुना आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से ज्यादा ताकतवर है, आप अगर खुदा का मुकाबला किसी से भी कर सके, किससे भी करते हैं, चाहे वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे वो दारा सिंह हो, या चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो, लाख गुना हो, या करोड़ गुना हो, अगर आप खुदा का मुकाबला किससे भी कर सके इस दुनिया में, उसका हमसर कुछ भी है, किससे भी आप कंपेयर कर सके, तो वो खुदा ही नहीं। ये चार लाइन का डेफिनेशन है सूरह इखलास कुरान मजीद में खुदा की तारीफ में। अगर कोई भी शख्स कहता है कि ये खुदा है, कोई भी इंसान कहता है कि ये खुदा है, अगर उस चार लाइन की तारीफ में उतरता है तो हमें उसे तस्लीम करना चाहिए कि वो सही खुदा है। वरना अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अब्दुर रहमान आया मतदु फलोल अस्मा हुस्ना, चाहे आप कहो उसे रहमान, अल्लाह को चाहे रहमान कहो या अल्लाह कहो, कुछ भी कहो लेकिन अच्छा नाम कहो। जी तो नाज़रीन, ये था वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था रियली। और जो वो महिला का सवाल था, लेडी का, बहुत अच्छा सवाल था, एक लॉजिकल सवाल था, और उनके दिमाग में जो सवाल आया बहुत परफेक्ट। ये ऐसा सवाल बहुत कम लोगों के दिमाग में आता है जिसका रिप्लाई पंडित जी नहीं दे पाए। और एक तरफ डॉक्टर जाकिर नाइक सर जो एक्सप्लेन किए, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए कि यार कोई कोई अगर क्रिएटर है, कोई खुदा है, ठीक है, कोई भगवान है, तो यार वो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है, ये तो एक लॉजिकल चीज नहीं है ना। जैसे कि ओशो का एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए कि यार अभी भी वहाँ पर जाओगे उनके जो भी आश्रम है तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि यार ये ना ही कभी पैदा हुए और ना ही कभी मरे, और इनको ऐसी ऐसी बीमारी थी जैसे अस्थमा थी, ठीक है, और शुगर था, तो ये सब भगवान को कैसे हो सकता है, ये एक सोचने वाली बात है। आप लोगों के दिमाग में ऐसा सवाल तो खुद उठना चाहिए यार, रियली। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर कोई भी इंसान बोलता है कि मैं खुद भगवान हूँ, तो सबसे पहले तो उसको साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, और जो भी अगर उसकी बातों में आते हैं तो वो भी उसी के साथ के लगते हैं मुझे तो, क्योंकि सच में क्रिएटर का किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता। और इंडिया में आजकल देखेंगे ना तो हर धर्म में ऐसे लोग हैं, ठीक है, बोलते हैं कि अपने आप को खुदा होने का, भगवान होने का दावा करते हैं, या उनका अवतार होने का दावा करते हैं, किसी की भी मतलब बीमारी को ठीक करने का चैलेंज देते हैं, किसी के परेशानी को और किसी का फ्यूचर बताने की कोशिश करते हैं, कोई तो बात ही कर लेते हैं, हाँ ठीक है, कोई तो बात ही कर लेते हैं। तो ये सिर्फ एक बेवकूफ बनाने का तरीका है। अगर वो किसी की बीमारी को ठीक कर सकते थे तो वो वहाँ पर किसी भी धर्म के स्कॉलर बन के क्यों बैठे रहेंगे, वो जाएंगे इलाज करने का,
इलाज करेंगे डायरेक्ट से, सिंपल सा बात है। वो हॉस्पिटल में रहते हैं ना कि किसी पंडाल में बैठे हुए या किसी तकरीर में बैठे हुए, तो एक सोचने वाली बात है अपने में से। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि लोगों को भी अंधविश्वासों से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना, और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।